एंड रूट क्या होगा आपको क्या काम करना चाहिए अपने जीवन में जो आपकी आत्मा को खुश रखेगा यू विल बी सेटिस्फाइड क्योंकि हियर yeah. जो आत्मा कारक है अम, आत्मा कारक है दैट इज कैलकुलेशन इट इज बेस्ड ऑन द आत्मा कारक

वो इसलिए बने हो बिकॉज योर डेस्टिनी आपका भाग्य आपकी आत्मा का एंड तो है बहुत लोग अपना पूरा जॉब का प्रोफेशन करके देन दे गेट इनटू द फील्ड ऑफ ऑकल्ट के यार चलो हम अब इसको करते हैं क्योंकि उनको पहले दिन से ही कोई इंट्यूशन होता है आर इंक्लाइन टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट एन एग्जाम्पल यू कुड बी इंक्लाइन टूवर्ड्स यू नो योर डिजाइनिंग योर फैशनिंग एनीथिंग एक्टिंग इट कुड बी एनीथिंग एनी ट्रेड जो आपको पसंद आता हो वो ये आपको करम आमशा चाट बताएगा आपके जीवन में कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है आप जो अभी प्रोफेशन कर रहे हो वो प्रोफेशन में आप खुश हो या नहीं हो आप भले ही पैसा कमा रहे हो उस प्रोफेशन में बट यू मे नॉट बी इंजॉइंग सो दिस चार्ट इज गोइंग टू टेल यू वेयर योर डेस्टिनी वॉट गॉड हैज डिजाइंड फॉर यू जो भगवान ने आपकी कुंडली में गॉड विल लिख के भेजी है वो क्या है वो ये कर्म आमचा लगना आपको बताएगा सो द वर्ड करम आमचा इज द कॉन्ट्रेक्शन फेज ऑफ Atma Karak in Navanch. Since Atma Karak is the most important Karak, and in Gemini astrology, it is referred as the Karka. The Navancha chart, hence the Navancha chart being the most important Varg Kundli or the chart in Parashri, so the word Amcha has been derived from there. So the fusion of Karak has been picked up from. Atmakarka and Amsha bird has been picked up from Navansha. So, this Kundli has been made. It is Karak Amsha, like I told you, is your final destiny. What God has written for you, and you should be doing that, where you will find internal peace. वेर यू विल फाइंड सैटिस्फेक्शन इन वॉट एवर वर्क यू डू सो दर्पस ऑफ करम आंशा लगना इज टू नो कि आपकी लाइफ का पर्पज क्या है आपकी आत्मा क्या चाहती है बहुत बार आपकी आत्मा अंतर आत्मा कहती होगी आपको यार ये काम मैं क्यों कर रहा हूं इसमें मजा नहीं आता मेरे को तो मार्केटिंग जॉब पसंद नहीं है मेरे को तो एक सिटिंग जॉब पसंद है बट आप मार्केटिंग ही कर रहे हैं आप मूवमेंट पे ही है आत्मा कह कैदी भी स्थिर होके बैठना है बट क्या करें पापी पेट का सवाल है यू गॉट दैट जॉब सो यू हैव टू डू दैट जॉब

ट्रबल समझ जाती है अगर चंद्रमा और जुपिटर फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में बैठ जाते हैं वो व्यक्ति को एक ऑथर बना देते हैं व्यक्ति एक्टिंग की तरफ चला जाता है क्योंकि फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर स्किल्स एज पर जेमिनी गुरु उाउन सो हियर इन दिस करकांशा चार्ट अगर फर्स्ट हाउस में फिफ्थ हाउस में सेवेंथ हाउस में टेंथ हाउस में बेनेफिक प्लैनेट्स बैठेंगे जुपिटर वीनस मून मरकरी ये व्यक्ति को वर्ल्ड फेम दिलाएंगे जैसे एक्टरों को मिलता है अगर ये प्लैनेट्स आपके करक चार्ट में बैठ जाएंगे ये आपको वर्ल्ड फेम दिलाएंगे आप शाहरुख खान का चार्ट चेक करिएगा तो उसके भी प्लैनेट्स वन सेवन फाइव टेन में बैठे हैं तो राहु टेंथ में बैठा है जो शैडो का कारक है तो मूवी वर्ल्ड में उसने वर्ल्ड फेम दे दिया राहु दस में बैठ के तो आपको वर्ल्ड फेम मतलब कि फेम तो देगा ही बिना कहे देगा आपको फेम देगा ही देगा राहु दसम भाव में बैठ के बट शर्त यही है फेम तब मिलेगा अगर आप राहु के कार्य तत्व अपना लो अगर आपका टेंथ लॉर्ड आपकी लगन कुंडली का वो असेंडेंट लॉर्ड बन जाएगा करम आमछा लगन का तो भी आपको स्टेटस देगा अगर इस करम आमछा चार्ट में प्लैनेट्स इक्वली डिवाइड हूं डिवाइडेड होंगे यानी कि दूसरे भाव में बैठा है और बारहवें भाव में बैठा है तीसरे भाव में बैठा है एक ग्रह एक ग्यारहवे में, में बैठा है एक चौथे में बैठा है एक दसवें में बैठा है एक पांचवें में बैठा है एक नवम भाव में बैठा है तो जैमिनी गुरु बोलते हैं इस व्यक्ति को कारावास होगा जेल का योग होगा इम्प्रेजमेंट होगी तो अगर किसी की कुंडली में दो बारह में बैठे हों आम आमछा चार्ट में भी सर कर्मश मतलब जो जो हाइस्ट डिग्री है वो डी नाइन में कहा बैठेगा वो इस, इसका नहीं नहीं डी नाइन तो देखो वो तो आप नवांश के हिसाब से निकालेंगे ना अगर डी नाइन आपने निकाला है जैसे अगर हमने मान लेते हैं कि आपका डिग्री पे है, ठीक है तो इट विल इन दी और आपके लगन कुंडली में शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव की जो हम दूसरी राशि में बैठा है उसकी हम काउंटिंग दस नंबर से चालू करेंगे नहीं। नहीं। ऊपर तो वाले है? को निकालो ना ये? सीमा जी थोड़ा कर लीजिए थोड़ा। सीमा जी कैन यू जस्ट योर तो ऐसा था अनुपम जी कि अगर शनि आपका उनतीस डिग्री का तो हमें ये पता चल गया नाइन्थ नवांश में है और दो नंबर राशि में बैठा है तो हम इसकी काउंटिंग दस नंबर से चालू करेंगे शनि की तो दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो आपको नवांश में नहीं, नौ नहीं, मतलब कि दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच छ सातवें राशि में मिलेगा आपको शनि नवांश कुंडली में ठीक है यू हैव टू काउंट टेन प्लेसेस तो अब आपका सवाल था कि हाइएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट अगर नवांश में जाएगा ठीक है तो हम उसको काउंट करेंगे जो भी हमारा के बनेगा उसी से ही ये कर्म आंशा चार्ट बनेगा मैं आपको अभी चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा ठीक okay. है okay. तो हम देखेंगे कि कैसे हम काउंट करेंगे और कैसे okay. हम वो चार्ट बनाएंगे ओके okay. सर तो जो भी आपका के है आत्मा कारक है वो नवांच में जिस भी राशि में बैठेगा उससे आपका करक आमछा लगना चालू होगा ठीक है वो अगली स्लाइड में था हम आते उस स्लाइड पे बट आपने एकदम जंप कर दिया कोई बात नहीं सॉरी सॉरी सो हाउ यू मेक अ करम आमशा चार्ट सबसे पहले आपको हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को देखना है अपनी लगन कुंडली में आपका एक कौन है एक की प्लेसमेंट आपने देखनी है नवांश कुंडली में जिस भी राशि में आपका कार का बैठा है आत्माकार का बैठा है एके बैठा है उस राशि को आप कर्म आमशा चाट का लगन बना देंगे और आपकी कुंडली में जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उनको एज इट इज उसी राशि में प्लेस कर देंगे एग्जाम्पल अगर किसी का जुपिटर स्कॉर्पियो में है सैटन टॉरस में है मून राहु मार्स कैप्रिकॉन में है केतु कैंसर में है वीनस मरकरी, सन वर्गो में है हिंदी लगन कुंडली सो प्लेस ऑल दीज प्लैनेट्स जो भी इसका लगन बनेगा एज इट इज उसी राशि में हम रख देंगे अगर सैटन दो नंबर में है तो हम करम आमचा चार्ट में इसको भी दो नंबर राशि में बिठा देंगे अगर मून राहु मार्स दस नंबर में है आपके लगन चार्ट में तो करम आमचा चार्ट में भी इसको हम दस नंबर में प्लेस कर देंगे तो ऐसे हमारा वो चार्ट बन जाएगा हाउ विल बी एनालाइज द करम आमशा कुंडली सी दी प्लेसमेंट ऑफ आत्मा कार का एके इन करम आमचा कुंडली पॉइंट नंबर वन उसकी हमें प्लेसमेंट देखनी है

analyze this chart so like the example that we took here of a scorpio ascendant so these are the degrees here ak is moon and these are all the planets which were in the other rashis so this is the lagan kundli moon is sitting in the 10th house these are the degrees and the other planets are placed here. So when we see the placement of moon in the Navancha chart, moon is sitting. The AK is sitting in the sixth house. Now my sixth house will become the karak amcha lagan. Don't have to do anything. You just have to see where your AK is sitting.

अब यहां इस एग्जाम्पल में नवांश कुंडली में एक छठे भाव में आ रहा है तो कर्म आमचा मेरा छठे भाव से बनेगा इस कुंडली के लिए सो हियर इफ यू सी सो वी कास्टेड दिस कुंडली छठे भाव से तो यहां अगर आपने देखा के लगन कुंडली में के छठे भाव में वीना सन मर्करी टेंथ हाउस में राहू मार्स मून साटन इन सेकंड जुपिटर इन एंड केतु इन फोर्थ तो ऐसे ही हमने ये सारे प्लेस कर दिए इस कुंडली में सो नाउ आई टोल्ड यू फर्स्टली यू विल हैव टू सी एसेंडेंट यहां जो एसेंडेंट है वो बुध है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है और एग्जॉल्टेशन में बैठा हुआ है टेंथ हाउस जो लगन कुंडली में आ रहा था पांच नंबर आ रहा था सन उसका रूलर है मैंने आपको कहा था कि अगर आपका लगन का टेंथ का लॉर्ड करम आमचा लगन में बैठ जाएगा तो आपको नेम फेम देगा तो यहां एक तो इस कुंडली में जो करम आमचा कुंडली बनी है टेंथ लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड दोनों ही कर्म आंशा लगन से भी यहीं पर ही बैठे हैं दी लगन विच इज मरकरी सन आपका लगन कुंडली का जो टेंथ लॉर्ड था वो बी लगन में आ गया अमत्याकार का जो हमारा सेकंड है लॉर्ड वो भी इस कुंडली में लगन में ही बैठा है अमत्याकार का इस कुंडली में भी दूसरे भाव का रूलर है और नाइन्थ मतलब राशि के हिसाब से बता रहा हूं अभी मैं दृष्टियों के हिसाब से नहीं बोल रहा आपको ठीक है इट इज दी अमत्याकार का हियर इज द रूलर फॉर द सेकंड हाउस योर टेंथ हाउस and your इलेवेंथ house which is again sitting in the lagna. Your GK is sitting in दर्ड third house. Your AK is also sitting. जो मैंने कहा था कि पंचम भाव आपको चेक करना है कुंडली का तो पंचम भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं हो राहु है थोड़ा क्रूर ग्रह है वो बट मंगल भी है मंगल भी इज ऑल्सो चंद्रमा भी एक भी पंचम भाव में यहां बैठ गया एज पर प्लेसमेंट और जो पंचम का स्वामी है वो भी नौवम भाव में बैठा हुआ है शनि इस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत नेम फेम मिला इस व्यक्ति की अपनी पढ़ाई के बाद जो भी इसके फादर का बिजनेस था इस व्यक्ति ने नहीं करा इसने अपने दम पे एक डीलरशिप चलाई मारुति की जिसमें इसको बहुत नेम फेम मिला सो ये न कंपनी ऑफ मोर देन 500 करोड़ बट इस व्यक्ति ने गलती क्या करी एजेंसी बिजनेस तीसरे भाव का है तीसरे भाव में घाती कारक बैठा है घाती कारक अष्टम को देख रहा है पंचम को देख रहा है ग्यारहवें भाव को देख रहा है और इस कुंडली से इसके बहन भाइयों ने फ्रॉड करा तो घाती कारक ने वो भी दिखा दिया तीसरे भाव में बैठ के इसने अपने बहन भाइयों को अपने व्यापार में मिला लिया इस व्यक्ति ने तो इसकी वो एजेंसी बंद हो गई है अब ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर रहा है और आपको पढ़ा रहा है ये व्यक्ति और कोई नहीं है मैं ही हूं ये व्यक्ति की डेस्टिनी इसको क्या बोलती है इसकी आत्मा बोलती है लोगों को सल्यूशन दे केतु ग्यारहवें भाव में, में बैठ गया और कहता मुनाफा तब दूंगा जब मेरा काम करेगा का स्वामी पंचम का स्वामी नोवे भाव में बैठ गया कंसल्टेंसी दे टीचर बन जा इसलिए व्यक्ति राहु को यूज कर रहा है वहां अब शैडो प्लैनेट आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा है तो अल्टीमेटली आत्मा मतलब सेल्फ है आत्मा कारक भी लगन में बैठा है जो लगन लॉर्ड इस कुंडली का है जो दसवें भाव को लेके चल रहा है बुद्ध और लगन लॉर्ड वो भी लगन में ही बैठ गए हैं तो इसको स्वयं ही करना पड़ेगा आत्मा कारक के साथ अष्टम का स्वामी कंजंक्शन में है जो कि है मंगल अगर मैं पराशरी दृष्टि से भी देखूंगा तो आत्मा कारक केतु को देख रहा है जो कि ओकल से रिलेशन रखता है तो अल्टीमेटली इसका वो वाला व्यापार बंद हो गया 500 करोड़ की जो ये मारुति की डीलरशिप चला रहा था इसने बहुत पंडितों के पास गया ये बहुत उपाय करे इसने तो एक दिन इसने यही सोचा आत्मा ने कहा कि भैया तू खुद ही सीख ले तो इसने वो विद्या सीख ली तो सीख ही रहा हूं सीखते सीखते मैं पढ़ाने लग गया आज पढ़ा भी रहा हूं क्योंकि तो जिसने पैसा देना है यहां लाभ भाव वो केतु है तो के रहा, मेरा काम करेगा तो पैसा मिलेगा मेरा काम नहीं करेगा तो मैं कटिंग हूं मैं हर प्रकार की हिंड्रेंस हूं कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी तो आप लोगों को चाहे आप कोई भी चार्ट लगा लीजिए आप पराशरी में डिटेल लगा लीजिए आप केपी में प्लैनेट्स ले लीजिए जो आपको दो छे दस ग्यारह दे रहे हैं यहां भी जो लगन कुंडली में भी मैं अगर इसको क्रॉस चेक करूंगा ये लगन कुंडली है अष्टम का स्वामी कौन है बुद्ध कहा बैठा है ग्यारहवें भाव में लगन कुंडली भी वही इंडिकेशन दे रही है कि भैया मुनाफा इस भाव से तेरा जुड़ा हुआ है उसको अपना ले केतु तू बैठा है कंसल्टेंसी में नौवे भाव में टीचिंग कर राहु कहा बैठा है तीसरे में ऑनलाइन यूट्यूबिंग आत्मा कहा बैठी है कि इसको यूट्यूब वगैरह को कर लो कर्मों का स्वामी लगन को देख रहा है जुपिटर दृष्टि दे रहा है पंचम पे और नौवम पे पांचवा घर मजबूत कर रहा है और नौवा घर भी मजबूत कर रहा है तो आपकी लगन कुंडली भी वो वो ही बोलेगी कि आपकी फाइनल गोल क्या है आपकी फाइनल डेस्टिनी क्या है अगर आप अपनी कुंडलियों से माध्यम से इस चार्ट से अपनी अलाइनमेंट कर सकते हो यू विल गेट योर फाइनल गोल आप बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज को ले लो आप पैदा किसके लिए हुए हो, हो जिस काम के लिए आप पैदा हुए हो आपको जिसमें मजा आएगा वो काम करना चाहिए अपनी आत्मा की सुननी चाहिए ये एसेंस है इस करम आंचा कुंडली का अगर